हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो सीबीएसई ने अपने क्लास टेंथ वाले बच्चों का एग्जामिनेशन को कैंसिल करके उनको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे उनको प्रमोट कर दिया है, तो वो सभी बच्चे जो सीबीएसई के लगभग 18 लाख बच्चे थे, तो उन सभी क्लास टेंथ वाले बच्चों को रिलीफ मिली और साथ ही साथ ट्वेल्थ वाले बच्चों का भी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करके आगे की तारीख लगभग 1 जून के लिए उन्होंने 1 तारीख तक उनको पोस्टपोन कर दिया है। 1 जून के बाद वो डिसीजन लेंगे कि उनका एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर उनको भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक एनआईएस की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है कि एनआईएस का एग्जामिनेशन कब करवाया जाएगा। अभी तक असमंजस की स्थिति में बने हुए बच्चे, अभी तक बच्चे फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो इसी बीच आपको मैं बता दूं, दिस इज़ विवेक कुमार, आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के रिगार्डिंग मिलते जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जो बच्चे प्रमोट हुए थे एनआईएस के क्लास टेंथ वाले बच्चे, पिछले साल 2020 में उन सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। तो इस बार भी हमारी यही मुहिम होगी कि एनआईएस के सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो एनआईएस की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, कल ही के डेट में रिलीज किया गया था नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में बच्चों आप लोग को ये बताया जा रहा है कि, जैसा कि आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, देश भर में कोविड-19 की महामारी के कारण स्थिति को देखते हुए शिक्षार्थियों और सुरक्षा को हित ध्यान में रखते हुए एनआईएस जून 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला था, उन सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अब उन्होंने डेट बता दिया है। लगभग 20 मई को वो आपको बता देंगे कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या नहीं होगा। यदि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो भी 20 मई को पता चल जाएगा, और प्रमोट होंगे तो भी आप लोग 20 मई को आप लोग को एग्जामिनेशन पता चल जाएगा कि आपको प्रमोट होना है या नहीं होना। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूँ, आपको 1.5 लाख से भी प्लस केसेस एक दिन में कोविड के केसेस आ रहे, तो ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एनआईएस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात है कि एनआईएस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा पाए। 20 मई तक का उन्होंने टाइम लिया है और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है बच्चों। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को प्रमोट के लिए पूरी तरीके से मुहिम करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग को जितना यूनिटी अभी बनाना होगा, जितना आप लोग को साथ देना होगा, आप लोग को अभी एक साथ खड़ा रहना होगा। यदि हम लोग प्रोटेस्ट करें, हमारा प्रोटेस्ट ऑनलाइन होगा, मैं आपको पिटीशन दूंगा, पिटीशन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पिटीशन पे जाके आप लोग को साइन करना होगा। मैं आपको एक बार पिटीशन पढ़ के सुनाता हूँ, पिटीशन में है क्या, और आप लोग पिटीशन पे जितना से ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर साइन करवाएं। यदि हमारी मांग, यदि अभी हम लोग एकजुट हो गए तो आपकी मांग ज़रूर सुनी जाएगी, और आप लोग कहीं ना कहीं सीबीएसई वाले बच्चों के साथ जैसा हुआ है वैसा ही एनआईएस वाले बच्चों के भी साथ होना चाहिए। हर बार भेदभाव होता है एनआईएस वाले बच्चों के साथ। सीबीएसई वालों को प्रमोट कर दिया गया था पिछले बार भी, इस बार भी एनआईएस वाले के लिए कोई भी अभी तक मांग नहीं लाई गई है, ना ही कोई भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन लाया गया। बस एक नोटिफिकेशन में ये बता दिया कि 20 मई तक उनको बताया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन देंगे या फिर प्रमोट होंगे। तो चलिए आप लोग देखिए पिटीशन में आपको साइन कैसे करना है। दोस्तों, जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप लोग जाओगे, क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आप लोग को एक पिटीशन मिलेगा, उस पिटीशन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा प्रमोट ऑल एनआईएस स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये वाला जो चैनल है ऑफिशियली एनआईएस की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के एनआईएस की तरफ से हेल्प किया जाता है इस चैनल के रिगार्डिंग। पिछले बार सभी लोगों ने मिलकर पिछले साल वाले बच्चों को, 2020 वाले बच्चों को प्रमोट करवाया था, इस बार भी हमारी यही मांग है कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और प्रमोशन में हम लोग आप लोग का हेल्प हो सके। तो ट्विटर कैंपेनिंग भी करेंगे हम लोग, और पिटीशन पर भी आप लोग को साइन करना होगा। प्रमोट एनआईएस स्टूडेंट, ये आपकी प्रोफेसर सरोज शर्मा जी है, और ये हम ट्विटर पिटीशन करना है हमें। आप लोग को मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग पिटीशन में आप लोग पढ़ सकते हो, सीबीएसई के स्टूडेंट को जो टेंथ में थे उन सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, ट्वेल्थ वाले बच्चों को पोस्टपोन कर दिया गया उनका एग्जाम। तो ऐसे में एनआईएस वाले बच्चों को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। देश में कोविड की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे दिक्कत हो सकती है कि बच्चों में यह संक्रमण फैल सकता है, और अब और तो ये पिटीशन को आप लोग एक बार जरूर रीड आउट कीजिएगा। और तो इस पिटीशन के माध्यम से आप यह बात पहुंचाना चाहते हो कि एनआईएस बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों को, उनको भी प्रमोट करके उनको भी अच्छे मार्क्स देके पास किया जाए। तो ये सभी आप लोग पिटीशन पे आप लोग को क्या करना होगा, शेयर करना होगा जितना आप लोग को, हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ये पिटीशन। यदि आप लोग इस पिटीशन के माध्यम से ज़्यादा हम लोग जुड़ेंगे और आप लोग साइन कीजिएगा। आप लोग को पिटीशन पे क्या करना होगा, सिंपली जाके आप लोग को साइन करना होगा पिटीशन पे। जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग को वहाँ पे साइन करना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, और आप लोग को साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ट्विटर अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे आप लोग को फॉलो करना ना भूलिएगा, और वहाँ पे मैंने ट्वीट पोस्ट किया उसको रीट्वीट कीजिए। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ ट्विटर अकाउंट को कैसे आप लोग को रीट्वीट करना है। हाँ, तो दोस्तों
हाँ तो जैसे ही दोस्तों आप लोग ट्विटर को खोलते हो तो आप लोग को क्या मिलेगा, जैसे ही आप लोग ट्विटर के स्क्रॉल पेज पे जाओगे तो यहाँ पे ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ANI की न्यूज़ है, NIS का ऑफिशियली वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो नोटिस ले आया गया है 16 तारीख को ये नोटिस आ गया था, इसमें बताया गया था इन द व्यू ऑफ प्रिविलेजिंग सिचुएशन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक अक्रॉस द कंट्री एंड द ऑल्सो टेकिंग द अकाउंट फॉर द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ द लर्नर्स, यानी कि जो भी जून 2021 के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी बच्चों का 20 मई तक उनको बता दिया जाएगा कि उनका एग्जामिनेशन हो गया, वो लोग प्रमोट होंगे। तो आप लोग को अभी अपनी मुहिम को शांत नहीं रखना है, यदि आप लोग अभी से आप लोग जुड़ते हैं तो मैं आप लोग को बता देना हूँ कैसे करना होगा। ट्विटर पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक पे जाना होगा या फिर सिंपली आप लोग को ट्विटर पे जाके आपको अकाउंट को खोलना होगा। आप लोग जैसे ही अकाउंट को खोलते हो तो आप लोग को यहाँ पे एक ट्विटर आईडी मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को प्रमोट NIS स्टूडेंट्स की डिमांड दिख रही है, आपको रीट्वीट करना है, जितना हो सके आप लोग को रीट्वीट करना है। जैसे कि हम लोग इस वाले पोस्ट पर भी हमने काफ़ी ज़्यादा रीट्वीटिंग आया था, कोविड केसेस इज रेपिडली इंक्रीजिंग डे टू डे, लाख्स ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द NIS एग्जाम, इफ एनीवन विल बी सफर फ्रॉम द COVID-19 हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, सपोर्ट विवेक कुमार झा को। आप लोग को हैशटैग में आप लोग को मुझे भी मेंशन करना होगा और साथ ही साथ NIS को मेंशन कीजिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को मेंशन कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग को सिंपली ये वाला जो बटन होता है बच्चों रीट्वीट का होता है, आप लोग इस पर जाके करिएगा रीट्वीट, आपको जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको रीट्वीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को रीट्वीट करना होगा। और जितना हो सके आप लोग अकाउंट को जितना हो सके आप लोग फॉलो कीजिएगा जरूर, क्योंकि अभी हमारी यूनिटी बन गई, मैं दिन रात आप लोग के लिए ट्वीट करता हूँ तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं अभी यूनिटी बनानी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे किसी नई वीडियो में आप लोग के साथ धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलता हूँ। आप लोग को प्रमोट करवाने की पूरी मुहिम हम लोगों ने छेड़ दिया है और जो लोग भी आप लोग का साथ दे रहे हैं इस मुहिम में आप लोग उनका जरूर साथ दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, टेक केयर, जब तक मिलते हैं नए किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्टे। जैसा कि आप लोग को पता है काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है, जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया, तो आप लोग कर्फ्यू का पालन कीजिए, बाहर घर से कम निकलिए और एग्जामिनेशन आप लोग घर पे साथ ही साथ तैयारी भी करते जाइए और पूरी तरीके से हम लोग ये चांस लगा रहे कि आप लोग कभी एग्जामिनेशन CBSE वाले बच्चों की तरह कैंसिल किया जाए। तो जय हिंद जय भारत, ट्विटर पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, ट्विटर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा जिससे हमारी मांग आगे तक जाए, और पिटीशन पे साइन करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशन को शेयर कीजिए जिससे हमारी मांग आगे तक पहुंच सके। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।